नमस्कार न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरा लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। दोपहर के समय धूप जरूर निकलती है, लेकिन सर्द हवाएं ठिठुरन पैदा करने वाली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और रात का 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और आने वाले दिन इसी तरह ठंडे बने रहेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभागों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर चलेगी। उत्तर भारत में भी कोहरे का असर बरकरार है, जिससे भोपाल पहुंचने वाली ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की दिशा उत्तरी है, ऐसे में जम्मू कश्मीर शिमला में हुई बर्फबारी का सीधा असर इन हवाओं पर पड़ रहा है। हाँ, देखिए पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो तापमानों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, है ना? और शहडोल संभाग में सामान्य से काफी कम और शीत संभागों में सामान्य रहे और इसमें रीवा संभाग में भी सामान्य से कम रहे। नहीं, ग्वालियर में तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, आज 4 डिग्री और बढ़ने के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा ठंडक उमरिया और नौगांव में है इस समय। और कोल्ड वेव कंडीशन भी है, पिछले 24 घंटों में देखा गया तो कोल्ड वेव कंडीशन भी शहडोल डिवीजन, जबलपुर डिवीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे और सागर डिवीजन में कोल्ड वेव कंडीशन है और ग्वालियर डिवीजन में भी कोल्ड कंडीशन है। राजधानी भोपाल में कोल्ड वेव नहीं है और टेम्परेचर ज़्यादा सर्दी नहीं है। अगले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, ले लीजिए। अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशंस शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में एक दो जगह बनी रहेंगी और फाग की स्थिति भी रहेगी सागर, ग्वालियर और चंबल में। और सेलो टू मॉडरेट फाग जो है रीवा डिवीजन में थोड़ा सा ज़्यादा घना कोहरा और जगह और रीवा डिवीजन थोड़ा घना कोहरा रहेगा। और भोपाल की अगर बात करें अपन तो सुबह और शाम को धुंध रहेगी भोपाल में। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।